नमस्ते है क्लास सिक्स पार्ट वन वृंद के दोहे। नीकी फे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत जूझ में नाही सिंगार सुहात। नीकी फे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत जूझ में नाही सिंगार सुहात। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत जूझ में नाही सिंगार सुहात। इस दोहे से हम क्या सीखे? इस दोहे से हम सीखे अवसर माहौल, अवसर या माहौल के हिसाब से बात करने वाले का सम्मान होता है। इस दोहे से हम क्या सीखे? इस दोहे से हम सीखे अवसर या माहौल के हिसाब से बात या काम करने वालों का सम्मान होता है। अब दूसरे दोहे पे चलते हैं। अरे जाहि ते कछु पाइये करिए ताकि आस, रीते अवसर पर सर्वर पर गए कैसे बुझत प्यास। जाहि ते कछु पाइये करिए ताकि आस, रीते सर्वर पर गए बुझत कैसे प्यास। जाहि ते कछु पाइये करिए ताकि आस, रीते सरोवर पर गए कैसे बुझत प्यास। इस दोहे से हम क्या सीखे? इस दोहे से हम सीखे वहां जाइए जहां आपकी आस पूरी हो सके। आप बहुत अच्छा। तीसरे दोहे को पढ़ते हैं। अपने पहुँच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेते लाभी सौर। अपने पहुँच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेते लाभी सौर। इस दोहे से हम क्या सीखे? इस दोहे से हम सीखे अपने वर्तमान काल के क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब हम चौथे दोहे पे चलते हैं। फिर से विद्या धन काटी काटी फिर से विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जुपावे कौन। बिना डुलाए ना मिले जियो पंखा की पौन। फिर से विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जुपावे कौन। बिना डुलाए ना मिले जियो पंखा की पौन। इससे हम क्या सीखे? इससे हम सीखे बिना मेहनत के विद्या नहीं मिलती। धन मिल सकता है, जायदाद मिल सकता है, पर विद्या कभी नहीं मिल सकती। बिना धन मिल सकता है, दौलत मिल सकता है, पर विद्या नहीं मिल सकती बिना मेहनत के। बस इतना ही। धन्यवाद।